नमस्कार, ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्कॉर्पियन पनडुब्बी के मामले में भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हुई है। पनडुब्बी भारत की, टेक्नोलॉजी फ्रांस की, लीक का खुलासा करे ऑस्ट्रेलिया का अखबार। लेकिन इस वक्त का सबसे जरूरी सवाल ये है कि सारा खेल किसकी शह पर खेला गया और इसका फायदा किसको हुआ। स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़ा वो टॉप सीक्रेट जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नौसेना के पास होना चाहिए था, वो लीक हो गया और आशंका जताई जा रही है कि जिन हाथों तक वो जानकारी पहुंचनी थी वहां वो जानकारी पहुंच भी चुकी है। यानी मुमकिन है भारत के दुश्मन ने भारत की रक्षा से जुड़ा भेद हासिल कर लिया हो और उसका फायदा भी उठा लिया हो। रक्षा मंत्री कह रहे हैं यह हैकिंग का मामला लग रहा है और इसके सभी पहलुओं की जांच होगी। पूर्व रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यह गंभीर चिंता का विषय है और सरकार सच का पता लगाए। भारत सरकार बोल रही है कि लीकेज उसकी तरफ से हुई नहीं। फ्रांस की कंपनी यह कह रही है कि लीकेज उसकी तरफ से भी नहीं हुई। तो क्या देश ये मान के शांत बैठ जाए कि अरबों रुपए की लागत से जो पनडुब्बी भारत को मिलनी थी उसका कोई मतलब ही नहीं है, किसी इस्तेमाल की नहीं? क्या देश ये मान ले कि हमारी बड़ी से बड़ी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी क्योंकि हम अपनी खुफिया रक्षा जानकारी को सुरक्षित नहीं रख पाते? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन है जो हिंदुस्तान की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है और देश को इसकी खबर भी नहीं है? मैंने चीफ ऑफ नेवी उनको बोला है कि वो पूरा विश्लेषण करें उसका क्या लीक हुआ है, हमारे बारे में उसमें क्या है। केम टू माई नॉलेज एट अबाउट 12 o'clock yesterday night. What I understand is there is a hacking. So we'll find out all these aspects. It is a matter of serious concern whether the leak took place in Indian soil. Request the government is immediately order a high-level inquiry and find out the truth. Prime Minister and Defence Minister must also tell the nation as to what action do they propose to take vis-a-vis the French company DCNS, which appears to blame currently the Indian establishment for the leaks. भारत सरकार बोल रही है कि ये लीकेज उनकी तरफ से नहीं हुआ है। विदेशी कंपनी बोल रही है कि वो सिर्फ डेटा के प्रोवाइडर थे और जो पूरा का पूरा जो प्रोटेक्शन था, जो पूरा का पूरा डेटा का मैनेजमेंट था, वो इंडियन डिफेंस अथॉरिटीज़ के हाथ में था। साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके कारण का पता लगाया जाए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या ये मान लिया जाए कि अरबों रुपए की भारत की पनडुब्बी पानी में चली गई? दूसरा सवाल, क्या सबमरीन लीक के पीछे कोई घर का भेदी है? आज का तीसरा सवाल, कौन है जो भारत के पनडुब्बी पराक्रम से परेशान है? चौथा सवाल, भारत के खिलाफ कौन कर रहा है रक्षा मामलों से जुड़ी साजिश? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, लीक पर 5 साल बाद क्यों टूटी है नींद? तो सबसे बड़े खुलासे पर हम इससे पहले की बहस करें और अपने पैनल का तारुफ आपसे कराएं, एक खबर आपको बता देते हैं जो इस वक्त खबर आ रही कश्मीर से। पुलवामा में ग्रेनेड हमला हुआ है। हमला पुलवामा के डिग्री कॉलेज के पास हुआ है। इस हमले में एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी और एसएचओ समेत 15 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और शुरुआत इस वक्त करते हैं। तो क्या अब यह मान लिया जाए 5 साल बाद नींद टूटी है, यह लीक हो गया सुरक्षा डॉक्यूमेंट, तो क्या गई पनडुब्बी पानी में? बात करेंगे, वाइस एडमिरल रिटायर्ड प्रदीप कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डायरेक्टर नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन, नौसेना के जहाज प्रचंड और वीर को इन्होंने कमांड किया है, कोस्ट गार्ड शिप विजया और INS गंगा को भी कमांड कर चुके हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लीट में कई अहम जिम्मेदारियां उनको मिल चुकी है। वहीं नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टर भी आप रह चुके हैं। विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित भी इन्हें किया जा सकता है। देश विदेश में नेवी को लेकर के तमाम सेमिनार्स और इंटेलिजेंस के ऊपर जो सेमिनार्स होते हैं उसमें आप हिस्सा लेते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
एयर कॉमोडोर रिटायर रंजीत बी राय हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डायरेक्टर नेवल इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशंस, एयरफोर्स ट्रेंड एयर कंट्रोलर एक्सपर्ट हैं आप, नेविगेटर स्पेशलिस्ट हैं, इंडियन मैरिटाइम फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 5 किताबें भी लिख चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुबिमल भट्टाचार्य हैं एक्सपर्ट डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, दुनिया के जाने माने डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, भारत में जर्नल डायनेमिक्स के कंट्री हेड आप रह चुके हैं, अमेरिका इंग्लैंड और यूरोप के कई संस्थानों में साइबर सिक्योरिटी पर लेक्चर भी दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है भट्टाचार्य जी आपका। जयवीर शेरगिल हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, आतंकवादी संसदीय कार्यप्रणाली और सरकारी नीतियों पर लिखते रहे हैं। जयवीर आपका भी स्वागत है। शमशीर कैंथ हमारे साथ पत्रकार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, भारत और विदेश में टीवी पत्रकारिता में 13 साल से ज्यादा का इनका तजुर्बा है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 2015 से ऑस्ट्रेलिया में टीवी पत्रकारिता कर रहे हैं और ये बताना भी आपको जरूरी है क्योंकि इसका जो खुलासा हुआ है और ये जो पूरा खुलासा छपा है वो ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर में ही छपा। और मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी विजय चौक से मौजूद हैं, मनीष क्योंकि इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी रिपोर्ट को देख रहे हैं।